जिस पार्टी के नेता के साथ, तथाकथित नेता के साथ, जबकि वह नेता नहीं है, उसकी पार्टी जो है नाच और नौटंकी वाली पार्टी है, जिस पार्टी की ओर हम इशारा कर रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं, उस नाच और नौटंकी वाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि मेरी सरकार बनी तो नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। बिहार में अब नचनिया पार्टी का नया तमगा मिल गया है एक राजनीतिक पार्टी को। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद भवन निर्माण विभाग ने पशुपति पारस से वापस ले लिया है। इसको लेकर पार्टी के एक नेता श्रवण अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नचनिया पार्टी है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़, मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस के पार्टी जो है उसके एक नेता हैं श्रवण अग्रवाल। उन्होंने आज जब बंगला खाली किया गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक बड़ा वक्तव्य दिया है, बड़ा बयान दिया है, और वो चिराग पासवान पे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है वो नचनिया की पार्टी है। ये एक बड़ी बात है कि आखिर चिराग पासवान को नचनिया क्यों कह रहे हैं पशुपति पारस के नेता, ये एक बड़ा सवाल है। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आश्चर्य बेहद ही दुखद है, जिस पार्टी को एनडीए में सम्मान दिया जा रहा है, जिस पार्टी के नेता के साथ, तथाकथित नेता के साथ, जबकि वह नेता नहीं है, उसकी पार्टी जो है नाच और नौटंकी वाली पार्टी है, जिस पार्टी की ओर हम इशारा कर रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं, उस नाच और नौटंकी वाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि मेरी सरकार बनी तो नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। यह देख लीजिए, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, आप देख लीजिए, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज एनडीए के बहुत प्यारे हो गए हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि शराब तस्करी में नीतीश कुमार संलिप्त है, मेरी सरकार बनी तो इसकी जांच कर नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। यह टाइम्स ऑफ इंडिया का, न्यूज 18 का, हिंदुस्तान टाइम्स का, सारे। तो इसीलिए हमने एनडीए को लगातार मजबूत किया, हमारे नेता ने एनडीए को लगातार पूरी ईमानदारी से, एनडीए को पूरे तन मन से, पूरे ताकत से एनडीए को मजबूत किया। हमने 2024 में हमारी अनदेखी की गई, हमारी पार्टी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, 5 सांसद रहते हुए भी हमारी पार्टी के एक भी सांसद ने चुनाव नहीं लड़ा, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़े। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी लगातार हमको हमारी अनदेखी की जा रही है। हम लोग एनडीए को लगातार 2014 से मजबूत कर रहे हैं, और एनडीए में एक साजिश रची जा रही है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कमज़ोर करने की। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम लोग एनडीए को मजबूत कर रहे हैं, एनडीए के द्वारा हमको कमज़ोर किया जा रहा है। आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से 19 और 20 तारीख को, इस 19 और 20 तारीख को, नवम्बर 19 तारीख को पटना में पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति की, पूरे देश भर से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उस दिन राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, और प्रदेश कार्य समिति भी की ज्वाइंट बैठक बुलाई गई है। 20 तारीख को पार्टी के जिलाध्यक्ष की, दलित सेना के जिलाध्यक्ष की संयुक्त बैठक पटना में बुलाई गई है। दोनों बैठक पशुपति कुमार पारस जी की अध्यक्षता में होगी। पार्टी का जो निर्णय होगा, क्योंकि एनडीए में जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, एनडीए में जो हमारे साथ अनदेखी हो रही है, लगातार एनडीए की बैठकों से हमको दूर रखा जा रहा है, एनडीए की हर गतिविधि से हमको किनारा किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इसको देख रहे हैं,
19 और 20 तारीख को पार्टी कोई बड़ा फैसला इसको लेकर ले सकती है। तो आपने सुना, चिराग पासवान पर कटाक्ष करते हुए उन्हें नचनिया कहा गया है। चूंकि नचनिया किसे कहते हैं, मतलब चिराग पासवान इससे पहले सीने अभिनेता रह चुके हैं, आज वो राजनेता है, लेकिन इसकी अपभ्रंशता को ये देखा जा सकता है कि एक कलाकार अदाकार को नचनिया का संबोधन करके उन्होंने एक चिराग पासवान पर बड़ा निशाना साधा है। अब ये देखना होगा, चूंकि उन्होंने अपने बयान में ये भी बोला है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर भी टारगेट किया था और उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार होगी तो नीतीश कुमार को हम उखाड़ फेंकेंगे, वगैरह वगैरह लंबी चौड़ी बातें कहा गया है। और इन मामलों को लेकर के आज इन्होंने, श्रवण अग्रवाल ने चिराग पासवान को पर बड़ा बयान अपना देने का काम किया है। अब ये देखना होगा कि चिराग पासवान का पलटवार क्या होता है या बिहार की राजनीति में इसका क्या रिएक्शन सामने आता है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।